ये है पोलो और ये भी है पोलो, इन दोनों में एक समानता है, ना ये बदली है और ना ये बदली है। इसका भी टेस्ट वही है, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, कैसे आज वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2010 में लॉन्च हुई ये पोलो आज भी दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही स्लोट है, अभी भी कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है फॉक्सवैगन की तरफ से, बट अभी भी जो नंबर्स फॉक्सवैगन को चाहिए वो इससे मिल जा रहे हैं। जो कार एंथुसियास्ट हैं, जिनको गाड़ी चलाना पसंद है और हैचबैक चाहिए, वो पोलो जाके लेके आ जाते हैं बिना किसी दूसरी गाड़ी को देखे हुए। रीज़न है ये TSI इंजन। 1 लीटर का जो TSI इंजन है ये चलाने में कैसा है वो तो आज इस वीडियो में जानने ही वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ स्कोप अभी इस गाड़ी के अंदर बाकी हैं, कंपनी को और क्या कुछ बदलाव करने चाहिए। इंटीरियर की अगर बात की जाए तो फॉक्सवैगन पोलो अभी भी पुरानी जैसी ही दिख रही है, यानी कि अगर आप इसका 5 साल पहले वाला मॉडल भी चलाएंगे तो वो भी दिखने में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही लगेगा इंटीरियर के मामले में। वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डैशबोर्ड का लेआउट, सीट्स का स्ट्रक्चर और पूरा स्पेस। तो बस अब चला के देख लेते हैं कि ये चलाने में कैसी है, क्यों इसे लोग पसंद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और अभी जहाँ मैं आया था यहाँ थोड़ी सी ख़राब रास्ते थे मेरे पास में। ओके, तो इतने ख़राब रास्ते थे कि आपको स्टार्टिंग में फील भी हो गए। एंड डेफिनेटली मैंने इससे थोड़े से ज़्यादा ख़राब रास्तों पर भी जो है इसको ड्राइव करके चलाया, जिस रास्तों से अभी मैं जा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा ख़राब रास्तों से परफेक्टली जो है निकल जाती है। बस ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इतना मतलब आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप पोलो को कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ख़राब रास्तों से निकाल सको, पोलो आपको मना नहीं करती है। अब आ गए हैं अपन रोड्स पे, और रोड पे कैसी फील होती है ये पोलो 1 लीटर TSI इंजन के साथ में, उन सभी के बारे में बात करते हैं। अच्छे खासे किलोमीटर्स जो है मैंने ऑडोमीटर पे इस पे क्लॉक कर लिए हैं, तो कंप्लीट रिव्यू ही जो है ये हो जाएगा मेरी तरफ से, लाइक ये लास्ट जो भी चीज़ें होगी इसके बारे में होगी। उसके बाद में जब अगर कभी अपडेट आता है सालों बाद में तभी मैं इसके ऊपर कुछ कंटेंट बनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के कंफर्ट लेवल से कि इसमें आपको कितना कंफर्ट जो है वो मिल जाता है। अभी जिस पोजीशन पर मैं बैठा हूँ ये पोजीशन मुझे ऐसी फील करवाती है कि गाड़ी काफ़ी छोटी सी है और आराम से मैं इसको कहीं पर भी लेके निकल सकता हूँ, इतना कंफर्टेबली या कॉन्फिडेंस जो है इस सीट पर बैठ के मुझे फील होता है। स्टीयरिंग जो है वो हाइट और रीच जो लाइक दोनों चीज़ें, मैं टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट जो है वो दोनों है तो मैं दोनों एडजस्ट कर सकता हूँ। सीट हाइट जो है वो एडजस्ट हो जाती है। ORVM जो है इसके वो थोड़े से मुझे छोटे लगे, लाइक एकदम ज़्यादा पूरा जो बोलते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया लेवल का व्यू है वो इतना नहीं आता है, एक मिनिमल सा व्यू इसके अंदर मिल जाता है कि हाँ आपका काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाली जो होता है ना कि फ्री मिल जाए इंडियंस को तो मज़ा आ जाता है, तो वो फ्रीनेस जो है वो इसमें नहीं मिलती है। IRVM जो है वो ठीक है, इसके अंदर से आपको जो व्यू मिलता है वो आपका काम बन जाएगा, पीछे वाला ग्लास के अकॉर्डिंगली IRVM ठीक है, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। ए पिलर की बात करें तो ये थोड़ा सा थिक महसूस होता है जब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में या आपको पतली गलियों वगैरह में निकालना पड़ता है, जब आपको दिख नहीं रहा है तो वहाँ आपको ये प्रॉब्लम आई है। अदर देन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो पोलो में नहीं आई है। अब ये तो हो गई कंफर्ट लेवल की या सीटिंग की या व्यूइंग एंगल वगैरह से रिलेटेड बात। हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम परचेस करते हैं कार और उन्हें पोलो अच्छी लगती है तो वो परचेस कर लेते हैं, बोनेट इसका दिखता नहीं है, इस गाड़ी के अंदर बोनेट आपको विजिबल हो पाएगा। इस चीज़ से रिलेटेड अगर आप पोलो परचेस कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। और एक और बात इसकी बता देता हूँ, जब सीटिंग की बात कर ही रहे हैं तो ज़्यादा लंबे लोगों के लिए भी ये गाड़ी नहीं है, आपकी अगर ऑन एन एवरेज 6 फीट के आसपास हाइट है तो ही आप इस पोलो को परचेस करिए, आप आराम से बैठ पाएंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपने परचेस कर ली सीट नीचे करके आप चला रहे हो, आपके पीछे कोई बंदा क्या लाइक छोटा बच्चा भी बैठ नहीं पाएगा। वो स्पेस से रिलेटेड इस गाड़ी के अंदर इश्यूज हैं थोड़े से, लाइक स्पेशियस ये एवरेज लोगों के लिए है, ज़्यादा बड़ी हाइट वाले लोगों के लिए ये स्पेशियस नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात हो सकती है कि आगे दो बड़े बंदे बैठ जाएँ लाइक ज़्यादा हाइट वाले और फिर पीछे कोई नहीं बैठे तो वो आराम से इसको लेके जा सकते हैं, हेडरूम जो है वो इतना ज़्यादा इसके अंदर आपको ऑफर नहीं होता है। तो ये चीज़ मैंने इसकी सीट पर बैठ के फील करी है। अब अर्गोनॉमिक वाइज कैसी है गाड़ी उसके बारे में बात करते हैं, तो सभी चीज़ें आराम से लाइक रीच में होती है, बहुत ही बढ़िया। लाइक यहाँ पर ऐसा है कि ये जो आर्म रेस्ट है यहीं पर हाथ रख के मैं इसका जो टच स्क्रीन है उसको ऑपरेट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा फ्रीनेस जो है वो शायद इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी ऑफर तो नहीं करती है। बट ये जो आर्म रेस्ट है ये फ्रीनेस ऑफर करता है। एक इसका कॉन जो मैंने फील करा इतने दिनों से जब मैं इसको चला रहा था, तो ओके ये फील करा है कि इसका जो गियर है उसको चेंज करने में थोड़ा सा इशू आता है, लाइक मतलब आप एकदम ऐसे फ्रीली जो है वो गियर चेंज नहीं कर सकते, इसको आपको लोवेस्ट पोजीशन पे जो है वो सेट करना पड़ता है। दूसरा जो है इसका ये हैंड ब्रेक, ये आप उठा नहीं पाते हो, अगर आप ये जो आर्मरेस्ट है वो लगाना है तो क्या होगा कि आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे साइड में करना पड़ेगा, आई डोंट नो कैमरा इसको जस्टिफाई कर पा रहा होगा या नहीं करवा पा रहा होगा, तो वो उस टाइप से आपको जो है वो निकालना पड़ता है। वो एक थोड़ा सा इशू जो है वो मुझे इसके अंदर फील हुआ, इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलरली। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग के फील एंड फीडबैक से रिलेटेड। तो स्टीयरिंग में हर टाइम थोड़ा सा वेट रहता है और ये आपको पूरा कॉन्फिडेंस ऑफर करता है, चाहे आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, हाई स्पीड पे चला रहे हो या आप इसको सिटी में ड्राइव कर रहे हो, तो थोड़ा सा स्टीयरिंग पे वेट रहता है और ये बहुत ही बढ़िया है, इतना होना भी चाहिए। और स्टीयरिंग से जो फीडबैक है वो बहुत ही बढ़िया आता है, कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी जो है वो नहीं आती है इस गाड़ी में। आप आराम से कहीं पर भी इसको लेके जो है वो निकल सकते हैं, आप टर्न कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं और किसी भी वे में लाइक ख़राब रास्तों पर चला रहे हैं, ये स्टीयरिंग जो है वो आपको कभी भी कहीं परेशानी आपको नहीं देगी। बहुत ही बढ़िया स्टीयरिंग जो है वो मुझे इस पोलो की लगी और चलाने में ये बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव है। 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी मैंने इसको चलाया, आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा मत चलाओ, मैं टेस्टिंग के लिए चला रहा था इसको। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इंडियन मार्केट में लाइक बहुत सारे रोड्स पर अलाउ है, तो उसी स्पीड पर आप इसको चला सकते हो। और 120 पे ये गाड़ी ऐसे चलती है लाइक आप 80-100 की स्पीड पर चला रहे हो, स्पीड जो है वो इसके अंदर पता नहीं चलती है। बट हाँ, अब NVH की बात कर लेते हैं कि जब आप स्पीड पे चला रहे होते हो तो आप कैसा फील करोगे। ये जो है 3 सिलेंडर इंजन है, ये आपको फील हो जाएगा जैसे ही 200 RPM से ऊपर जो है आप इसको रेव करना स्टार्ट करेंगे और आपको फील होगा कि हाँ कहीं ना कहीं आप एक ऐसा इंजन चला रहे हो जिसमें और ज़्यादा रिफाइनमेंट हो सकती थी। नो डाउट ये रिफाइनमेंट के मामले में बहुत ही बढ़िया है, बट 3 सिलेंडर है तो वो फील हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी चला रहे हो या आपने इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई है तो डेफिनेटली 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर आपके लिए मैटर नहीं करते हैं। बट अगर कोई दूसरे इंजन यूज़ करके आप इस गाड़ी के ऊपर आ रहे हो या कोई पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर ऑलरेडी आप चला चुके हो, नॉन टर्बो है या टर्बो है, लाइक इस सेगमेंट में तो आप नॉन टर्बो ही चला रहे होंगे, तो उससे अगर आप इस पे आओगे तो हल्का सा आपको ऐसा फील होगा कि और ज़्यादा रिफाइनमेंट हो सकती थी और ज़्यादा स्मूथनेस जो है इस इंजन के अंदर हो सकती थी। अब अगर इसकी सस्पेंशन से रिलेटेड बात करें तो वो हल्के से बोल सकते हैं ना कि स्टीफर साइड है, कंफर्ट से ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि राइड क्वालिटी का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है, परफॉर्मेंस रिलेटेड ध्यान रखा गया। अभी जैसे मैं कॉर्नर पे जा रहा हूँ, हल्का सा भी जो है बॉडी रोल वगैरह इसके अंदर फील नहीं हो रहा है, स्मूथली जो है आप इस पे से निकल सकते हो। 60 की 70 की स्पीड पे आप कॉर्नर करते हो, आपको पता भी नहीं चलता है आप गाड़ी पे टर्न लेके निकल गए हो, तो बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है। बट ख़राब रास्तों पे क्या होता है ना कि थोड़े थोड़े पोर्टोल्स भी अगर आ जाते हैं तो वो आपको जर्क अंदर फील होने लगते हैं, तो वहाँ पर जो है ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी सड़कें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पर आपको पोलो चलानी है तो शायद हो सकता है कि आप जो है दूसरा ऑप्शन प्रेफर करना पसंद करेंगे। अब ये स्पीड ब्रेकर है, मैं यहाँ पर साइलेंट हो जाता हूँ, सुनना साउंड कितना आ रहा है। हल्का सा साउंड जो है वो मिनिमम सा साउंड केबिन के अंदर आता है सस्पेंशन का। रीज़न ये है कि एक तो टायर भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, चौड़े हैं, विड्थ काफ़ी अच्छी है टायर की और ट्रेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा साउंड केबिन के अंदर आता है। बट जो साउंड आता है जिसकी वो जो बोल सकते हैं ना कि लाइक डैम्पिंग साउंड है, वो भी बहुत ही सूथिंग होता है, तो अच्छा लगता है कि एक आप अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी जो है वो चला रहे हैं जिसमें सारे पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। थोड़ा सा जो लेआउट है ना वो और ज़्यादा अपडेट हो जाता है या थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता ना तो मज़ा सा आ जाता, लाइक थोड़ी सी डिज़ाइन को अपडेट करने का टाइम आ गया। बिकॉज 4-5 साल पहले जब पोलो चलाना स्टार्ट करी थी मैंने मेरे फ्रेंड के पास में, तब से लेके अभी तक इसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आए, उससे पहले वाले जो वर्जन हैं वो भी हैं, तो सिर्फ थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं हेडलाइट वगैरह में चेंजेस कर दिए हैं, हल्के हल्के से ट्विकिंग करें हैं कंपनी ने, बाकी पूरी गाड़ी सेम है, तो वो थोड़ा सा लगता है। इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, अगर आप चला रहे हैं लाइक अराउंड 60-80 की स्पीड पे तो आप रहेंगे 1800 RPM के आसपास, यहाँ पर आपको माइलेज मिलेगा अराउंड 17-18 KMPL का, और 18 KMPL का कंपनी क्लेम करती है। मैंने सिटी में इस गाड़ी से 15-16 KMPL का माइलेज निकाल लिया है, अब ये आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि इससे आप 20 से ऊपर का माइलेज निकाल सकते हैं अगर आप हाईवे पे सिंगल स्पीड पे क्रूज करते हुए जा रहे हैं। क्रूज कंट्रोल के स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं और वो ठीक से हैं, थोड़ा सा पहले एक दो दिन अटपटा लगेगा अगर आप यूज करेंगे किसी और गाड़ी से आ रहे हैं तो, बट फिर इसकी आपको आदत जो है वो पड़ जाएगी। इसमें स्पीड बढ़ाना और कम करना जो है वो थोड़ा सा लग गया है कि बटन की डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो वो आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि यार और ज्यादा अच्छे से इसको जो है इकोनॉमिक लाइक ये जो स्विचेस वगैरह हैं वो और ज्यादा बेटर तरीके से इसको प्लेस जो है वो किए जा सकते थे, दैट्स ऑल। बाकी लाइट से रिलेटेड क्या इशूज वगैरह हैं या जो नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस है उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सभी डिटेल्स उससे रिलेटेड इसके अंदर मिल जाए।
ब्रेक्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग बाइट्स आपको ऑफर करते हैं, थोड़ा सा भी स्पंजीनेस वगैरह ऐसा फील नहीं होता है, बाइट्स प्रॉपर आ जाती है। हल्का सा अगर आपने टैप करा तो गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग हो रही है, ये चीज़ आपको फील होती है। लाइक चारों पहियों में इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, फिर भी जो है ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो दे देती है। अभी मैं चालू रोड पर हूँ जहाँ पर ट्रैफिक मूविंग कंडीशन में है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक्स वगैरह या स्पीड टेस्ट वगैरह आपको करके नहीं बताऊँगा, बट डेफिनेटली जो 0 से 100 की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट ये कर लेती है। अभी एक हल्का सा आपको चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी मैं हूँ अराउंड 1200 RPM पे, 35 की स्पीड पे है अप्रॉक्स गाड़ी, और थर्ड गियर में हूँ। एक्सेलरेशन मैंने पूरा टैप करा, आई एम ऑन 100 की स्पीड पे। तो ये चीज़ लाइक आप किसी भी गियर में हो, किसी भी स्पीड पे हो, आपको थ्रू आउट जो पंच है, जो परफॉर्मेंस है, वो इस गाड़ी से मिल जाता है। पूरा जो इसके अंदर आपको पावर है वो मिलेगा अराउंड 5000 RPM पे, और 1750 RPM के आसपास में आपको जो टॉर्क है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो टॉर्क बैंड है और पावर है वो भी आपको सही डिसेंट कंडीशन में मिल जाता है। रेड लाइन जो है वो 6500 RPM पे ये कर जाती है, लाइक इसका रेव लिमिटर आ जाता है, और थोड़ा सा और ज़्यादा जो है कई बार ये पंच हो जाता है। लाइक मैंने वो चीज़ नोटिस करी इसमें, कई बार जो है लाइक 6700 समथिंग तक जो है वो चले जाती है। तो अब ये डिपेंड करता है कौन से गियर में, ये सारी चीज़ें तो नोट डाउन नहीं करी है मैंने। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके AC की कूलिंग जो है वो कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो चिलिंग है वो डिसेंट परफॉर्मेंस जो है वो आपको ऑफर करता है। गाड़ी चिल होने के बाद में एकदम प्रॉपर तरीका से जो क्लाइमेट है वो मेंटेन कर लेती है, बट अगर आप स्टैंड स्टिल कंडीशन पे इस गाड़ी को चला रहे होते हैं और आपने सोचा है कि अब मैं इसको जो है AC को ऑन करता हूँ एंड देन जो है मैं चलाऊँ इस गाड़ी का AC और इस गाड़ी को ठंडी करूँ, तो उसमें शायद थोड़ा सा जो टाइम है वो आपको ऐसा लगेगा कि और जल्दी जो है वो गाड़ी चिल होनी चाहिए थी। तो ये एक बात है, और बाकी AC जो है वो डिसेंट है। लाइक उसके अंदर मैं ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसके नंबर काट दूँ, या 10 में से जो है उसको मैं 8 नंबर जो है वो देना चाहूँगा, ये एक उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा ज़्यादा बेटर जो है वो समझ पाएंगे। अंदर केबिन में ज़्यादा नॉइज़ नहीं आती है, टायर की नॉइज़ आती है जैसा कि मैंने बोला कि प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, ग्रिप वगैरह बढ़िया है, लाइक अच्छी चीज़ है वो, उसका प्रोज ही है, बट हाँ टायर नॉइज़ जो है वो थोड़ी सी अंदर आती है। इंजन नॉइज़ तभी आती है जब थोड़ा सा एक्सेलरेशन आप हार्ड कर देते हो, अदरवाइज जो इंजन है वो भी काफ़ी साइलेंटली चलता है। वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा फील तो नहीं होते हैं, बट हाँ मिनिमल वाइब्रेशंस जो है वो आपको 3200 RPM से लाइक 4100 RPM के आसपास जो है वो फील होंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट उस टॉर्क बैंड के बीच में लाइक जब भी मैं इस गाड़ी को चला रहा था, आई डोंट नो इसमें ही है या किसी और में भी ऐसा है, बट हाँ मिनिमम जब भी उस RPM के आसपास में होता हूँ, उससे ऊपर जैसे 4500 RPM से मैं ऊपर निकल जाऊँगा तो वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा फील नहीं हो रहे होते हैं, फिर वापस से थोड़ी सी जो स्मूथनेस है वो आ जाती है, बट इन बिटवीन जो मैंने बैंड बताया उस RPM के अंदर जो है वो आपको हल्के से वाइब्रेशंस स्टीयरिंग पे फील होते हैं, दैट्स ऑल, फुटपैक्स पे वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं। और जो चीज़ें अब इसके अंदर इम्प्रूव की जा सकती है या अपग्रेड की जा सकती है, लास्ट में वो कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा बेटर की जा सकती है, वो और ज़्यादा अच्छी की जा सकती है, ये एक स्कोप इसके अंदर सबसे बड़ा है। दूसरा, इसके जो फीचर्स हैं उसको अब अपग्रेड कर देना चाहिए। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही बढ़िया है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल जाती है। डेडिकेटेड स्विचेस भी दिए गए हैं ताकि आपको गाड़ी चलाते हुए कोई परेशानी जो है वो नहीं आए और आप स्मूथली जो है इसको आप चला सकते हो। अगर आप कभी भी कोई चीज़ जो है ऐसे टैप करके लाइक चला रहे हो तो बहुत ही ईजीली जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, और जो टच का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है, आपको टच से रिलेटेड भी कोई परेशानी जो है वो नहीं आने वाली है। ये चीज़ मैंने इसके अंदर फील करी है। एक और जो कमी इसके अंदर रही है वो है USB पोर्ट का लाइक ना होना, लाइक सिंगल एक USB पोर्ट फ्रंट में है, बाकी 12 वोल्ट के पावर सॉकेट आगे और पीछे दोनों तरफ दे रखे हैं। अब जमाना आ गया है USB टाइप सी का, हर कोई अपना एक अलग अलग डिवाइस लेके चल रहा है, 5 लोग बैठे हैं, 5 के पास में कम से कम 5 फ़ोन, कम से कम बोल रहा हूँ 5 फ़ोन तो होंगे ही होंगे, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लोग 2-2 फ़ोन लेके चल रहे हैं और यहाँ पर USB एक ही दिए, तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगा कि और होनी चाहिए। तो अब परफॉर्मेंस रिलेटेड तो गाड़ी बहुत बढ़िया है इस सेगमेंट के अंदर, i20 टर्बो को ले लो या चाहे अल्ट्रोज आई टर्बो को ले लो, i20 टर्बो तो बहुत ही बढ़िया है, लाइक अल्ट्रोज टर्बो का अगर आपको ड्राइव रिव्यू देखना है तो आप जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर करा है, रिव्यू शेयर नहीं करा अभी, इतनी ज़्यादा आई टर्बो को नहीं चलाई थी, टाटा से थोड़े टाइम के लिए गाड़ी मिली थी मुझे। तो ये सारी बातें हैं इन कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों से रिलेटेड, और कुछ अगर आप लोगों को जानना है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। पोलो TSI का एक नाइट ड्राइव रिव्यू जो है वो तो आने ही वाला है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद में।
और अगर आपको कुछ भी जानना है आप अभी मुझे नीचे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, फेसबुक पर मैसेज करें, जहां आपको मैसेज करना है मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक और बात यहां पर ऐड कर देता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूज़िक सिस्टम जो है वो आप रिव्यू में क्यों नहीं सुनाते हो। तो होता क्या है ना कि अगर मैं म्यूज़िक सिस्टम इसका सुनाऊंगा आपको तो वो कॉपीराइट क्लेम आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार नो कॉपीराइट जो म्यूज़िक होता है उस पर भी चांसेस होते हैं, तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जो है मैं इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइक क्लेम वगैरह आके वीडियो डिलीट हो जाती है गानों पर, तो वही सीन है। टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है गाड़ी का और स्टेयरिंग जो है वो ऐसे रिटर्न भी आ जाता है। तो म्यूज़िक जो है वो आप इंस्टाग्राम पे सुन सकते हैं। अगर मेरा ओपिनियन म्यूज़िक के ऊपर दूं तो एक डिसेंट क्वालिटी का साउंड सिस्टम इसमें है कि अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक लवर हैं तो वो उसका आपका काम हो जाएगा, बट अगर आपको आउटपुट बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का या हाई लेवल का चाहिए तो साउंड अपग्रेड करवा सकते हो। इनकी जो डोर्स की आप लाइक बोल सकते हैं ना कि इसके अंदर जो डैम्पिंग करी हुई है वो तो बहुत ही बढ़िया लेवल की है, तो सिर्फ आपको म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करना है। लाइक आप बेस ट्यूब डलवा सकते हैं या एक एक्टिव सबवूफर डलवा सकते हो, उसमें आपका काम जो है वो हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इसके ये टिंटेड मिरर्स हैं जो यूवी रेज वगैरह को नहीं आने देते हैं, गर्मियों से प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही बढ़िया है और ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब आप गर्मियों में गाड़ी चला रहे होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं पोलो TSI से रिलेटेड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके काम में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन पर मार्क कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या वीडियोज़ या ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड न्यूज़ आप मिस नहीं करेंगे। नीचे आप लोगों को इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। स्टोरी में सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।